इस टॉपिक के अंदर हम मूविंग uh, ऑन जिस तरह हमने टेबल्स पे वर्क किया ड्रॉ के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए तो अब हम हैच और देन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ग्रेडुअट्स की बात करेंगे तो अब हम सवाल स्टार्ट uh, यहां से करते हैं कि हैच कमांड होती क्या है फिर हम ऑपरेट करना भी सीखेंगे हैच कमांड नॉर्मली जब हम कोई स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे होते हैं फ़र्ज करें हम हाउस प्लान की जब बात करेंगे घर का जब हम नक्शा बना रहे होंगे उस नक्शे में हम दीवारें बनाते हैं और हमेशा जब हम बात भी आगे जाके करेंगे दीवारों का एक सर्टन साइज़ होता है जब आपने नोट किया होगा तो दीवार जब हम देखते हैं तो उसकी एक विड्थ होती है जो नज़र आ रही होती है हमें जो कि नॉर्मली हम नौ इंच कह रहे होते हैं तो उनको जब हम ड्राॅइंगस में जाते हैं तो हमें एक शो कराना होता है और उसके शो कराने के डिफरेंट मैथड्स होते हैं यानी जब भी हमने मटेरियल को शो करना होगा फ़र्ज़ करें हम एक घर बना रहे हैं उसके अंदर हम सीमेंट लगा रहे हैं हम उसके अंदर ईंटें ब्रिक्स लगा रहे हैं तो जब कैड के अंदर हमने उनको शो करना है तो उनको डिफरेंट पैटर्न से हम शो करते हैं ईंटों को शो करने का ईंटों के सिंबल बने होते हैं उसके अंदर एक तरीका होता है फिर हमारे पास मटीरियल और कोई डिफरेंट हमारे पास हो सकते हैं तो डिफरेंट मटीरियल्स को शो करने के लिए हम हैच कमांड का सहारा लेते हैं अब हैच कमांड का एडवांटेज ये है कि यह आपकी हमारी ड्राॅइंग को और अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल बना देती है यानी जैसे ही हम ड्राइंग को देखते हैं तो विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन हम किसी से कुछ पूछे बगैर बहुत सारी चीज़ें अच्छा ये वॉल है ये थिक वॉल है ये थिन वॉल है तो दीवारों का अंदाज़ा हमें हो जाता है दीवारों के अंदर के मटेरियल का अंदाज़ा हो जाता है और सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है हमारी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं हमारी ड्राइंग और ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत हो जाती हैं तो आइए बढ़ते हैं कैड में और हम देखते हैं कि इस कमांड को हम कैड के अंदर ऑपरेट कैसे करते हैं ये गेन हमारी बुनियादी फाइल जिसमें हम काम करते हुए आ रहे हैं हमने ये टेबल्स लास्ट में बनाए हैं हम इनको फिलहाल डिलीट करते हैं और अब हम जा रहे हैं हैच कमांड को परफॉर्म करने के लिए कि हम हैच कमांड के ऊपर वर्क कैसे कर सकते हैं फिर हम एडिटिंग भी उसकी देख लेंगे कैसे कर सकते हैं अब हैच कमांड को ऑपरेट करने के भी मेथड्स हैं लेकिन जैसा कि हम आ, कमांड ने इसने बहुत क्लियर कर दिया कि ये किसी ऑब्जेक्ट को हैच करती है यानी किसी ऑलरेडी बने हुए हैं चाहे वो रेक्टेंगल है चाहे वो ट्राइंगल है चाहे वो हमारी एक दीवार की दो लाइंस नज़र आ रही हैं एक्सटीरियर तो इसके लिए इसका मतलब यह हुआ कि हमें हैच कमांड लगाने से पहले बुनियादी तौर पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ये ब्लैंक स्क्रीन है और अगर मैं यहाँ पर हैच कमांड अभी फ़र्ज़ फर, करें यहाँ पर ड्रा से या ऑपरेट कर भी देते हैं और बस डिफरेंट मैथड है एक मेथड हमारे पास है फ्रॉम ड्रा तो अब मैंने अपडेट तो कर दिया हैच एंड ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो गया लेकिन अब सवाल ये है कि एड पिक पॉइंट्स में मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं पिक करूँ फ़र्ज़ करें मैं एड पिक पॉइंट पर क्लिक भी कर लेता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है हैच बाउंड्री डेफिनेशन एरर अ क्लोज बाउंड्री कुड नॉट बी डिटर्मिन तिर माइट बी गैप्स बिटवीन दी बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स और बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स माइट बी आउटसाइड दी डिस्प्ले एरिया यानी मैसेज ये आ रहा है कि या तो अभी जो आप ऑब्जेक्ट वो फ़र्ज़ करा है कि ऑब्जेक्ट है भी सही तो वो सही नहीं है क्योंकि अभी तो वैसे ऑब्जेक्ट है ही कोई नहीं मेरे पास कुछ बना हुआ भी नहीं है तो वो उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा ही इज़ शोइंग सम एरर कुछ मसला दे रहा है तो अब मैं क्या करता हूँ इसको लगाने से पहले हम क्लोज कर लेते हैं और हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं लाइक ये हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगल है भी हम लगा लेते हैं फिर हमारे पास एक पोलीगॉन है इसको भी हम ड्रा करके रख लेते हैं इंस्क्राइब कर लेते हैं हम अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं अब मैंने एक मेथड देखा हैच लगाने का ड्रा से अब सेकंड मेथड भी मेरे पास हैच लगाने का मौजूद है और वो है ये जो आपका साइड टूल बार्ज हम यूज़ करते हुए तकरीबन हम आज एंड तक पहुंच चुके हैं हमारे पास बस ये टेक्स्ट की जो है वो मेनली रह गई और इसके बाद हम इसको कंक्लूड कर लेंगे तो ये हमारे पास हैच और ग्रेडियंट के जो है वो टूल्स मौजूद हैं तो यहाँ से हम हैच के टूल को क्लिक कर लेते हैं हैच एंड ग्रेडियंट के ये हमारे सामने ऑप्शन आ गए हैं अब हम करने जा रहे हैं हैच हैच करेगा क्या इनफैक्ट ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है इसको फिल करेगा इसके अंदर हमने फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक बॉक्स है ये हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमको मटेरियल अप्लाई करना चाह रहे हैं और हम ग्लासेस को बाजूक खिड़कियों को शो करना होता है आगे जा हम देखेंगे मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको हम शो करना चाह रहे हैं अब सबसे पहला स्टेप क्या करूँगा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है यहाँ से मैंने किया एड पिक पॉइंट्स मैं पिक पॉइंट मीन्स मैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ और मैंने जैसे ही उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक किया तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया सिलेक्शन का जो सिंबल है वो ब्लू आप में शो कर रहा है अब मैं यहाँ से एंटर करता हूँ एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है अब यहाँ से जो है वो मुझसे ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शनस भी मौजूद हैं कि आप इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या कलरिंग करना चाह रहे हैं इसके अंदर कौन सा मटेरियल अप्लाई करना चाह रहे हैं फिलहाल हम बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है उसी को अप्लाई करते हैं आगे जाके हम इसको तब्दील भी कर लेंगे कि हमने इसको चेंज कैसे करना है और यहाँ से मैं करता हूँ ओके जैसे ही हमने ओके किया अगर आप नोट करें तो ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो हैच हो चुका है ये ऑब्जेक्ट अब पहले ये हालत था यहाँ से एम था अब ये एम नहीं है और अगर आप इसको फर्दर जो है अभी आपको यहाँ से अगर आप दूर से देखें तो यहाँ से ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इसको और जूम आउट किया है तो ये एक बिल्कुल ब्लैक जो है वो एक रेक्टेंगल और यहाँ से देखें तो एक स्पॉट लग रहा है लेकिन जैसे जैसे आप इसको करीब लेके आते जा रहे हैं और जैसे जैसे आप जूम इन करते जाएं कर्सर से तो ये देखें तो ये इनफैक्ट इसकी लाइंस हैं अब क्यों ये ज़्यादा ब्लैक यहाँ से नजर आ रहा है क्योंकि ये जो लाइंस हैं इनके दरमियान का डिस्टेंस हमने काफ़ी कम किया हुआ है अगर हम इस डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये लाइंस और वाइडर होना स्टार्ट हो जाएंगे और लाइन जैसे वाइडर होंगी आपस में तो ये हमें और क्लैरिटी के साथ नज़र आ जाएगा तो अब हैच लग चुका है अब हम अगर हैच को एडिट करना चाह रहे हैं तो एच ई -e हमारे पास हैच एडिट की कमांड भी मौजूद है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एच ई हैच एडिट एंटर कर देते हैं जैसे ही आपने अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ वापस जाकर क्या कि आपने ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया और एच ई हैच एडिट एंटर सेम वापस हमारे पास जो है वो हमारी दोबारा हैच एडिट जो है वो स्क्रीन पर आ चुकी है अब हम इसमें से कुछ चीज़ें चेंज करके देखते हैं जो भी हम बात भी कर रहे थे फ़र्ज़ करें सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन है स्केल की ये एक्चुअली हमें स्केल बता रहा होता है हम एंगल भी चेंज करके देखेंगे और स्केल स्केल हमें बता रहा है कि ये अभी लाइंस जो हैं इनके दरमियान का डिस्टेंस फर्ज़ करें मैं स्केल को ट्वेंटी करके देखता हूँ हम बीस करते हैं और अब आपने नोट करना है कि यहाँ पर कौन सी तब्दीली आप नोट करते हैं अब आप देखें तो लाइन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपस में इंक्रीज़ हो गया है और अब ये ऐसे लग रहा है जैसे रीडेबल हो लेकिन बाजू का डिस्टेंस ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना चाहिए स्केल को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये बहुत कम लाइंस कैसे हम इसका दोबारा एच ई हैच एडिट और फ़र्ज़ करें हम इसको सत्तर करते हैं तो आप फिर देखें शायद कोई एक लाइन ही इसके अंदर तो अब नोट करें आप तो बहुत कम लाइंस तो ये आ, हम बात असाइनमेंट टू असाइनमेंट भी डिपेंड कर रहा होता है हाउस प्लान में जाके हम आपको कन्वे भी करेंगे कि एग्जैक्टली exactly हम किस हैच के ऊपर जो है वो दीवारों को हैच कर रहे हैं ये हमारे पास ऑप्शन एच दोबारा हम इसको कुछ रीजनेबल जो है वो बना लेते हैं एच ई हैच एडिट एंटर और इट मस्ट बी बिटवीन फिफ्टीन हम कर लेते हैं ये हमारे पास एक ऑप्शन है और ये अब इट सीम्स रीजनेबल नाउ लग रहा है अब हम इसी पे हैच एडिट करके ये तो था हमने स्केल को बदला इसके साथ हमारे पास हम इसके स्वाद इसको भी चेंज कर सकते हैं और हम चाहें तो ये हमारे पास कुछ कलर्स ये ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं और ये हमारे पास आई एस ओ के हैं और ये हमारे पास अदर प्री डिफाइंड अब ये ना आप नोट करें तो ये नॉर्मली ब्रिक्स जब आप कभी ईंटें लगी हुई देखें तो ईंटें जो हैं वो बाजुकात इसी कलर में नजर आती हैं हमें कि एक ईंट आ रही है फिर एक बड़ी ईंट है फिर एक छोटी ईंट है तो ईंटें ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ से जो है हम फ़र्ज करें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम ओके करते हैं तो जैसे हमने ये कमांड ऑपरेट की तो हमारे पास ये जो है वो ब्रिक्स लग चुकी हैं अब आल दो ब्रिक्स जो हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं बट फिलहाल हमें विजिबिलिटी में उसकी प्रॉब्लम और हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे थोड़ी देर पहले हमने अभी इसी टॉपिक के अंदर पहले हमने चेंज करके देखे डिफरेंट लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस तो हम अगेन इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं एच ई -E, हैच एडिट और यहाँ पे हम इस स्केल को फ़र्ज़ करें टेन करके देखते हैं या फाइव करके देखते हैं लेट्स सी तो ये हमने देखा तो ये शायद डिस्टेंस अब बहुत हमने उसका इतना बढ़ा दिया है कि वो नज़र ही नहीं आ रही तो हम इस हैच एडिट को दोबारा जो है वो ऑपरेट करके देख लेते हैं ह, एच एंटर और इसको हम दोबारा सेलेक्ट कर लें और यहाँ से हम साइज़ को जो है वो वन करें और देन तो अब अब अगर आप नोट करें तो अब ये डिस्टेंस जो है वन की है टू करेंगे तो ये शायद थोड़ा सा और करीब आ जाएंगी तो इस तरह करके हम मुख्तलिफ पैटर्नस को भी बदल सकते हैं पैटर्न कहाँ से हमने एच ई हैच और ये हमारे पास पैटर्नस भी मौजूद हैं जिसमें हमारे पास कस्टम के कलर्स हैं अदर प्रीडिफाइंड आई एस ओ एन एस आई हमारे पास स्टैंडर्ड्स ये भी मौजूद हैं और हम यहाँ से जो है वो अब यहाँ से हम इनका चाहें तो हम कलर भी बदल सकते हैं ये डिपेंड्स कि ये अगर आप देखें अब तो जैसे मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ तो हैच के कलर को भी ये ख़ुद ब खुद जो है वो यहाँ से चेंज कर रहा है तो इस तरह हम हैच के कलर को भी चेंज कर सकते हैं फिर हमारे पास रिमूव बाउंड्री के ऑप्शन भी मौजूद है आगे जाके तो इस तरह फर्दर हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर जो कि अभी हम आने वाले लेक्चर के अंदर ग्रेडियंट कमांड के अंदर जाकर ऑपरेट करेंगे सो मेनली जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को जिस तरह ये एक हैच हो चुकी है ये एच ई हमने एंटर किया यहाँ पे और यहाँ पे हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं ये कलर चेंज हो चुका है हमारे पास सो हैच कमांड को ऑपरेट करने के हमारे पास मेथड्स हमने ड्रॉ से जाके किया हमारे पास साइड में ऑप्शन मौजूद है या हमारे पास एच ए टी ये हैच की ऑप्शन ये सामने मौजूद है और हैच एडिट के लिए एच ई हम ऑपरेट करेंगे हैच लगाने के बाद तो दिस इज़ हाउ हम डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर हैच की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं तो हैच कमांड को हमने ऑपरेट करके इम्पॉटेंस देखी कि डिफरेंट जब हमने मटेरियल्स को शो करना होता है तो हम हैच इस्तेमाल करते हैं और अभी हमने ऑपरेट करके कैड के अंदर देखा कि किस तरह हम हैच के पैटर्न बदल सकते हैं उसका कलर चेंज कर सकते हैं लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस बदल सकते हैं और किस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हैच की कमांड को ऑपरेट कर सकते हैं